नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है तृतीय चैप्टर अलस कथा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अलस कथा के बारे में जानेंगे कि अलस के मतलब क्या होता है, आलस के मतलब क्या होता है। तो यह जो है अलस कथा जो है आपका विद्यापति द्वारा रचित है। अलस कथा में बताया जा रहा है कि किस प्रकार आलसी लोग की परीक्षा ली जा रही है, यानी कि आलसी के बारे में संपूर्ण बातें बताया जा रहा है। इसलिए जो है हम इसमें ज़्यादा प्रश्न VVI लेकर नहीं आए, मात्र तीन प्रश्न जो है आपको पूरा कंप्लीट बोर्ड के लिए है। जितना भी तीन प्रश्न है, तीनों प्रश्न जो है आप लोग के लिए सिर्फ बोर्ड में मतलब आएगा ही आएगा, इसके अलावा दूसरा और कोई नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है आपका, चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखे। चार आलसी थे, उन चारों आलसी का बात विचार जो है किस तरह वो बात कर रहे थे वो अपने शब्दों में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। चारों अलसशाला में आग लगने पर भी चार आलसी लोग भागने के बजाय परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। एक ने, यानी कि अलसशाला में जब आग लगी तो सभी लोग भाग गए, लेकिन जो आलसी थे वो बच गए थे। वो आलसी लोग नहीं भागे क्योंकि आलसी आलसी होते हैं, वो चाहते हैं कि अपना काम मतलब खुद से ना कर दूसरा से करवाए। इसलिए अलसशाला में आग लगाई गई तो सभी कोई भाग गए, जितने भी धूर्त व्यक्ति थे वो धूर्त व्यक्ति भाग गए, लेकिन आलसी जितने भी थे वो सारे आलसी अलसशाला में ही रुक गए और चारों अलसशाला में रुक के बातें कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुंह ढक कर कहा, पहला ने कपड़ा से अपना मुंह ढक लिया और मुंह ढक के बोला, अरे ये आवाज कैसी है। एक ने, यानी कि पहला आलसी, बोल रहा है कपड़ा से मुंह ढक कर और बोल रहा है कि अरे ये आवाज जो है कैसी आ रही है, यानी कि जब सारे लोग भाग रहे थे तो आवाजें आ रही थी, उसके बाद में आग लगने से जो है और लोग चीखने चिल्लाने की आवाजें जो है आ रही थी, इसलिए पहला ने जो है अपना कपड़ा से मुंह ढक कर और बोल रहा है अरे ये आवाज कैसी है। दूसरा ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। दूसरा आलसी बोल रहा है, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों या चटाई से हम लोगों को ढक दे। यानी कि तीसरा आलसी बोल रहा है, कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को भीगे वस्त्र लाकर हम लोग को ढक दे, या कोई चटाई उटाई हो उसको लेकर जो है हम लोग के देह पर ढक दे जिससे कि हम लोग के शरीर में आग नहीं लगेगा। लेकिन वो लोग भागना नहीं चाहते हैं, वो वहीं पे बैठे हैं क्योंकि वो चारों आलसी हैं। आप लोग का इस चैप्टर में जो है अलस कथा में चार आलसी है और यही चार आलसी रह गए हैं अलसशाला में आग लगा तब, और सब धूर्त व्यक्ति भाग गए हैं। और चौथा बोल रहा है अरे वाचालो कितने बातें करते हो। अरे वाचाल कितने बातें करते हो, वाचाल मतलब ज्यादा बोलने वाला, अरे वाचाल यानी कि अरे वालसियो आलसियो कितने बातें करते हो। लेकिन कोई आलसी इसमें से भाग नहीं रहा, सिर्फ जो है चारों आपस में बातें कर रहे हैं और बातें कर जो है उसी में जो है रह जा रहे हैं। तो आप लोग का जो है पहला प्रश्न यही है, चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखे, यानी कि चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखे। चारों आलसियों का बात विचार किस तरह बात कर रहे हैं वो अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका आंसर जो है हम यही बताए हैं, चारों का जो है संवाद बता दिए, यही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। इसलिए जो है परीक्षा में आएगा ही 100% परीक्षा में यही आएगा, दूसरा इससे कुछ भी आने वाला नहीं है। इसलिए जो है आप लोग अच्छे से जो है याद कर लीजिए। दूसरा जो है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, जहाँ पे आलसी रहते हैं वहाँ पे उसको घर को अलसशाला बोला जाता है। तो अलसशाला में जो है आग क्यों लगाई गई, तो सुनिए, आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन करने लगे, जिससे अलसशाला बहुत धन का व्यय होने लगा। यानी कि अलसशाला में जो है
आलसियों का सुख देखकर सब जितने भी धूर्त व्यक्ति थे वो भी सोचे चलिए मुफ्त का तो खाना मिल रहा है, फ्री का खाना मिल रहा है, और खाना खाने के लिए जो है सभी धूर्त लोग जो है आलसियों के साथ जाकर मिल गए और उसमें उसी में रहने लगे, खाने लगे, जिससे कि धन का व्यय यानी कि धन का जो है ज्यादा लागत लगने लगा, धन का खर्च बढ़ गया, जिससे कि राजा को मंत्री को यानी कि पता लगा कि नहीं वीरेश्वर को, यहाँ के मंत्री जो है वीरेश्वर थे वो बहुत दानी स्वभाव के थे, उनको पता लगा कि इतना धन का व्यय जो है कैसे हो रहा है। तब उन्होंने जो धूर्तों की परीक्षा लेना चाहा, जो धूर्त की अगर हम परीक्षा ले लें, आलसियों की परीक्षा ले लें कि इसमें कौन आलसी है कौन धूर्त है, तो पहचान में आ जाएगी, आलसी बच जाएंगे और धूर्त भाग जाएंगे। इसलिए जो है अलसशाला में आग लगाई गई थी, और अलसशाला में आग इसलिए लगाई गई थी कि धूर्त लोग आलसियों का पहचान हो सके, यानी कि धूर्त लोग जाए इसमें से भाग जाए, जिससे अलसशाला बहुत धन का व्यय होता देख नियुक्त पुरुषों के द्वारा आलसी पुरुषों की परीक्षा हेतु आलसियों के घर में आग लगाई है, यानी कि नियुक्त पुरुष के द्वारा जो है उसमें जो है आलसियों के घर में आग लगा दी गई, ताकि जो है जितने भी आलसी है आलसी बच जाए और जितने भी धूर्त है आग को देकर भाग जाए। तो मात्र वही चार आलसी बच गए थे जिनका संवाद जो है जिनका विचार आप लोग को परीक्षा में आता है, तो वो जो हम विचार फर्स्ट प्रश्न में बता दिए हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, विद्यापति ने अलस कथा में आलस्य के बारे में क्या कहा, यानी विद्यापति ने अलस कथा में जो है आलस्य शब्द के बारे में आलस के बारे में क्या कहा है। तो विद्यापति ने कहा है कि जो बिना परिश्रम के सुख चाहता है वे लोग हमेशा भाग्य को ही दोषी मानते हैं, यानी कि विद्यापति का द्वारा कहा गया है कि जो व्यक्ति बिना परिश्रम के सुख रहना चाहता है, बिना परिश्रम के ही बिना मेहनत के ही चाहता है कि मेरे घर में धन संपत्ति बढ़े, मैं पढ़ने के बिना पढ़े ही नौकरी कर लूँ, यानी कि वो लोग हमेशा भाग्य के ही भरोसे बैठे रहते हैं, भाग के भरोसे बैठे रहेंगे कि अगर नौकरी लगा तो लगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। जैसे अभी जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भाग के भरोसे बैठे होंगे कि चलिए परीक्षा आएगा उस समय पढ़ेंगे, और परीक्षा आएगा तो उस समय पढ़ के एक बार पढ़ के जो है फर्स्ट हो जाएंगे, यानी कि जो इतना दिन से पढ़ रहा है इतना पूरा वर्षों से पढ़ रहा है, तो वर्ष जो एक साल से पढ़ रहा है वो फर्स्ट या टॉप नहीं करेगा, आप एक ही दिन में कैसे टॉप कर जाइएगा। इसलिए जो है विद्यापति का कहना है जो व्यक्ति जो मनुष्य बिना परिश्रम के जो है सुख चाहता है वो जो है हमेशा अपने भाग्य को दोषी मानता है, अपने भाग्य को दोषी मानता है कि हमारा भाग्य ही खराब है या हमारा भाग्य ही इस तरह उस तरह जैसा भी माने। इसलिए नीतिकार आलस्य को महान शत्रु कहा गया है, इसलिए जो इसमें का नीतिकार है वो आलस्य को जो है महान शत्रु बताया गया है, यानी कि आलस्य को त्याग कर देगा तो आपकी अंदर से जो है महान शत्रु आपकी सबसे बड़ी शत्रु का नाश हो जाएगी, और जब शत्रु का नाश हो जाएगी तो समझ लीजिए कि आप विजय की ओर जा रहे हैं। आलस्य को त्याग कर परिश्रम करना चाहिए, अन्यथा यह जीवन दूसरे पर आश्रित हो जाए। जिस तरह आलसी जो है दूसरे पर आश्रित हो गए थे, उस तरह जो है अगर आप लोग आलस्य को नहीं त्यागिएगा तो आपका भी जीवन दूसरे पर आश्रित हो जाएगा, यानी कि आपसे भी कुछ होने वाला नहीं है। और आपका यही प्रश्न है विद्यापति आलस्य कथा में आलस के बारे में क्या कहें, तो आलस के बारे में कहे हैं यही जो अभी हम बताए हैं कि जो है अपने से खुद से मेहनत करना चाहिए, भाग्य के भरोसे बैठना नहीं चाहिए। अब 24 का बोर्ड जो है नज़दीक है, 24 का एग्जाम जो है नज़दीक है, अभी जो बच्चे पढ़ नहीं रहे होंगे वो भाग के भरोसे ही बैठे होंगे कि हम जाएंगे एक नंबरिया जल्दी जल्दी टिक लगा देंगे और हो सकता है कि हम फर्स्ट आ जाए, हो सकता है, वो भी भाग के भरोसे ही बैठे हुए हैं। चलिए इतना ही, तीन ही प्रश्न है इसमें VBI और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही तीन परीक्षा में पूछेगा तो पूछेगा, नहीं इस चैप्टर से नहीं पूछेगा। और आप लोग को एक और बात बता देंगे, जिसको भी जो है PDF चाहिए, जिसको भी PDF नोट्स चाहिए, वो जो है मिशन मून व्हाट्सएप चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस लिंक से जो है ज्वाइन कर ले और उनको जो है PDF मिल जाएगा, सारे PDF जो है उसी में है। जय हिंद।